देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी, राधे राधे, मैं हूँ मेघा। नमस्कार। आज आपको बताते हैं कि शनिदेव और हनुमान जी को आपको कौन सा फूल अर्पित करना है जिससे कि आपको जो संकट मिलते हैं ना उनसे मुक्ति मिल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में शनि और मंगल ग्रह कमजोर हालात में होते हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारोबार में घाटा हो जाता है, धन की हानि हो जाती है। ऐसे में शनिदेव और हनुमान जी की पूजा में उनकी पसंद का फूल चढ़ाना एक फलदायी उपाय बताया गया है। शनिदेव एक क्रूर ग्रह है और मंगल ग्रह को साहस, धैर्य और पराक्रम का कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं उन्हें तो कई लाभ होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की कुंडली में ये कमजोर स्थिति में भी होते हैं, तो ऐसे में आपको ये फूल का उपाय करना है। मान्यताएं कहती हैं कि हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा में लाल गुलाब, लाल गुलहड़, लाल गेंदा, लाल रंग का कोई भी फूल जरूर चढ़ाएं। इससे आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी और कुंडली में मंगल के दोष का प्रभाव भी कम हो जाएगा। ऐसी भी मान्यता है लाल फूल चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जो संकट है वो दूर हो जाएंगे। भाई हनुमान जी को तो लाल फूल चढ़ा दिए और शनिदेव को कौन सा चढ़ाना है तो वो भी जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिदेव को काला और नीला रंग बेहद पसंद है। जिस जातक पर शनिदेव की 7.5 और ढैया चल रही हो उसे शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा में लाजवंती का फूल चढ़ाना चाहिए। आग के फूल भी आप शनि की पूजा में उन्हें अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही 7.5 और ढैया का प्रकोप भी कम होता है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, वहीं पर आर्थिक बढ़ोतरी भी आपकी हो सकती है। इस वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। हमारा उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाना था। इस जानकारी को किस तरह से अपने जीवन में सार्थक करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। अभी देख रहे थे आप वैदिक टीवी, राधे राधे।